हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज वीडियो आम 2019 देखो आम शिफ्ट वाइज टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन डिस्कशन करते। तो आज वीडियो देखो आउ किसी शिफ्टर आम टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दिंतु, और चैनल को जदि नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबें। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कौन रहा, इन क्लासरूम मैनेजमेंट द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल प्रिजर्वेंस रेफर्स टू। तो आप सिंपल कही जो क्लासरूम मैनेजमेंट रे आपन जो ये वार्डटा यहाँ कौन ना रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल कौन ना प्रिजर्वेंस प्रिजर्वेंस। तो आर मीनिंगटा कौन बोली आपको पचार तो आ मीनिंगटा कौन ता मीनिंगटा हूँ कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट। तो आपण कौन करा उचित ना चेष्टा करवा उचित, कौन आउटकम आसीब सेटा ना आपण कौन ना फास्ट कष्ट करवा उचित। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो यहाँ जो आपको देला फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी, तो आपण क्यों मैंने आ भितर किए आप सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी सर्विस टू ह्यूमैनिटी किए कही तो कही आपर किए ना महात्मा गांधी कही किए कही महात्मा गांधी। यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा, तो आप तो जानते तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर देखा ही मिले। तो नेक्स्ट आपको रहा देखो, ए जनरल टर्म दैट रेफर्स टू द ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्राटेजी दैट रिलाइज ऑन एक्सप्लिसिट टीचिंग थ्रू लेक्चर्स एंड टीचर लेड डेमोनस्ट्रेसन इज नोन एज। ताको आपणकर कौन कह जाए जोटा कि कहला आप जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्राटेजी, तो आपको आपर कौन कह जाए तो आपको कह जाए आपर कौन ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो कौन कह जाए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा, नेक्स्ट आपन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस टेस्ट दैट कैरेक्टर बिल्डिंग एज द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन क्यों कमिशन कही कौन कही ना इंडिपेंडेंस टेस्ट दैट कैरेक्टर बिल्डिंग एज द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन। तो ये पॉइंट आपर किए कही क्यों एजुकेशन कमिशन कही इंपोर्टेंट रहा। तो किए कही आपर तो राइट आंसर हो देखु द नेशनल कमिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ कही किए जो कौन कही ना पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रेस्ट दैट कैरेक्टर बिल्डिंग एज द यहाँ कही सिंपल कैरेक्टर बिल्डिंग एज द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन यहाँ इंपोर्टेंट। तो यहाँ कही किए द नेशनल कमिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा, तो फ्रेंड्स ये पीडीएफटा मुझे सेयार करदेवि, तो कल पीडीएफ मुझे सेयार करनी। तो आज पीडीएफटा आउ कल पीडीएफटा मुझे दुटा को आपको क्वेश्चन आसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट लुक्स बैकवर्ड रादर दैन फॉरवर्ड एंड मेसेज एंड असेसेस द व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज एंड और द नेचर ऑफ डिफिकल्टीज दैट दिला देखो लर्नर माइट हैव व्हिच इफ अनडायग्नोस्ड माइट लिमिट देयर एंगेजमेंट इन न्यू लर्निंग। तो ताको आपणकर कौन कह जाए बोली पचार छी, तो ताको कौन कह जाए ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोली कह जाए, कौन कह जाए डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा देखु, नेक्स्ट दला इन ए क्लासरूम एनवायरमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट दला देखु इन क्लासरूम एनवायरमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। सिंपली जो मीनिंग इवैल्यूएशन मीनिंगटा भितर के पचार इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन मीनिंगटा कौन हम ना इवैल्यूएशन मीनिंगटा आपर हम जे इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। तो केते परिमाण जिनसटा जड़े कौन ना बुझी, तो सेटा नेक्स्ट एज पर द ब्राउन्स क्लासिफिकेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल एजेंसी। तो ब्राउन्स को अनुजाई, तो देखो ये 2019 आ गोटे पूर्व शिफ्ट्रे पचार था, तो यहाँ ये शिफ्ट पचार। तो ब्राउन्स क्लासिफिकेशन सिंपल कौन कही कमर्शियल एजेंसी ऑफ एजुकेशन किए ना मैगजीन कौन हो मैगजीन हो राइट आंसर जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए टारगेटेड स्कूल और इंस्टीट्यूशन ऑफ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यही गोटे पूर्व शिफ्ट में डिस्कसन करते क्वेश्चनटा, तो यहाँ रिपीट हो। तो सिंपल जोटा रहा आविष्कार अभियान डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहाँ हूँ सिंपल कौन ना यहाँ बिलंग कर कौन जोटा रहा कौन इंटरनेशनल स्कूल को, तो राइट आंसर हो इंटरनेशनल स्कूल। नेक्स्ट नेक्स्ट दला साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड। तो साइकोलॉजी कहले आप कौन बुझे साइकोलॉजी हूँ कौन ना स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ बिहेवियर कौन हम स्टडी ऑफ बिहेवियर तो ऑप्शन नंबर कौन डी है जो व्हेन टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज पॉसिबली द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम व्हेन टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज पॉसिबली द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जदि फॉरेन लैंग्वेजटा जदि आपण पढ़े तो क्योंटी मैंने आपंकर कौन ना मोस्ट गोटे प्रोब्लेम कौन फेस करेंगे तो से फेस करार काम हो मेन फेस करेंगे कौ प्रोब्लेम ना से कन्स्टांट यूज ऑफ फास्ट लैंग्वेज कहना आम जो मदर टंग मदर लैंग्वेज तो आमको से कहार आम कौन ना हाबिचुआल आम अच्छे तो जो आम फॉरेन लैंग्वेज शिखुचे तो आम फास्ट आम से प्रोब्लेम हो पाए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा तो नेक्स्ट देखा देखो चिल्ड्रेन हाव innate inclination to imitate their seniors both in mental and social development this statement was given by to ye statement apanara ke deithile boli koichi to ye statement ta deithile apanara james mark kon baldwin ke deithile james mark baldwin to dekhon kon kahile na children have innate inclination to imitate their seniors both in mental and social development important to ta deithile james mark baldwin next the information agencies of education may be मे अल्सो बी कल्ड तो जो आम एजुकेशन इनफर्माल एजेन्सी रहा सरी इनफर्माल एजेन्सी तो मुझे आपको कही तीन प्रकार एजेन्सी अच्छी गोटे फर्माल गोटे नॉन फर्माल आ गए गोटे फर्माल गोटे इनफर्माल फर्माल इनफर्माल नॉन फर्माल तो आपंकर फर्माल जानते डेफिनेट गोल थी सिंपल गोटे डेफिनेट डिरेक्शन जाऊे इनफर्माल कौन ना आपंकर नो डेफिनेट गोल नो डेफिनेट डिरेक्शन देन जो आपर कौन नॉन फॉर्मल कौन ना नो आप डेफिनेट गोल थी कि डेफिनेट डिरेक्शन नथिबो इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कौन कहुए ना ताकू आप कौन कहुए ना इन इंसिडेंटल एजेंसी कहुए कौन कहुए इंसिडेंटल इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज नोन एज इंसिडेंटल एजेंसी नेक्स्ट एज डिफाइंड बाय हावर्ड गार्नर द एबिलिटी टू परसीव देला द विजुअल वर्ल्ड एक्यूरेटली विजुअल वर्ल्ड एक्यूरेटली परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मॉडिफिकेशन अपन वन्स इनिशियल परसेप्शंस एंड टू एबल टू क्रिएट रिक्रिएट एस्पेक्ट्स ऑफ वन्स विजुअल एक्सपीरियंस इवन इन द अब्सेंस ऑफ रिलेवेंट फिजिकल स्टिमुली इज कॉल्ड तो ताको कौन कहे अकॉर्डिंग टू गार्डनर तो ताको आपणकर कहा जाए कौन ना ताको कहा जाए कौन ना स्पैटियल इंटेलिजेंस तो कौन कहा जाए स्पैटियल इंटेलिजेंस तो राइट आंसर हो स्पैटियल इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर ए आपण करेक्ट आंसर नेक्स्ट देला विथ रेस्पेक्ट टू इवालुएसन ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट डज सी सी ई स्टैंड फॉर तो आम जब देखा स्टूडेंट को इवालुएसन प्रोसेस को जब देखा ये सी सी ई एटा बहुत आपन को पचारे सी सी ई तो सी सी र फुल फॉर्म होची कौन ना सी सी ई र फुल फॉर्म होची आपनर कौन ना कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएसन कौन है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएसन तो ऑप्शन नंबर ए तो देखो फ्रेंड्स आम ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन डिस्कशन करछे एटा आपनर बोथ स्टेट गवर्नमेंट बीड ओडिशा बीड पे इंपोर्टेंट रहइबो आउ रीजनल बीड जो माने कि आपनकर प्रकेजंती तो रीजनल बीड पे मध्ये एटा इंपोर्टेंट रहइबो नेक्स्ट देला देखो लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग ट्राइज टू स्टिमुलेट द इंडिविजुअल्स माइंड टू थिंक क्रिएटिवली Independently, critically, this principle with reference to concept of education in India was thought of. तो simple कहे learning by doing ये thought आप किए देते श्री अरविंद रवींद्रनाथ टागोर महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद तो किए देते learning by doing तो learning by doing किए देते ना आप महात्मा गांधी देते किए देते महात्मा गांधी important question next for effective classroom management procedures should be explained reinforced and practiced to the point until they become to kon kahila until they become what routine habit behavior manner to until they become kon na become routine to je paranta apanara kon gote dinsa ta ku kon je paranta habitual hei nanti habitual je paranta hei nanti to apanara daily routine re seta shamil na hoji se paranta ta kon kariya na practice kar chaliba explain kar chaliba jemiti ki se apanara kon pura practice hei jibo next नेक्स्ट होची देयर आर थ्री प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फाइंड द ऑड वन आउट तो आपण जानछन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे तीनटा प्रिंसिपल अछि तो क्यों क्यों प्रिंसिपल आपणकर तीनटा रहउची ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ क्यों तो अलगा दैछि फर्स्ट देला देखंदु तो फर्स्ट देला सेफालोकाउडल प्रिंसिपल जानिछन्ति एटा अछि देन देखंदु ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल जानिछन्ति अछि ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल देन होची प्रोक्सिमोडाइस्टल प्रिंसिपल अच्छी देन आउ जोटा रहिला बी रे क्लाउस्ट्रोफोबिक प्रिंसिपल तो एटा नुह तो ऑप्शन बी हे जीवो करेक्ट नेक्स्ट देखंतु सी आई एस सी ई इज ए प्राइवेटली हेल्ड नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया व्हाट डज
CISCE माने सिंपल पचार CISCE तार फुल फॉर्म कौन दे ना CISCE रा फुल फॉर्म पचार इम्पोर्टेंट CISCE रा फुल फॉर्म पचार कौन करीबा ना CISCE रा फुल फॉर्म होची अपन रा कौन ना काउंसिल सी रोज काउंसिल तापर काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन तो ऑप्शन नंबर के तहत काउंसिल ऑफ इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट पॉइंट दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम टेक्निक्स रेफर टू द एक्टिविटी इन व्हिच ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्कूल वर्क विथ द इंस्ट्रक्शन पोस्टेड और अनाउंस्ड बिफोर द क्लास सो दैट स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एज सुन एज द क्लास बिगिन्स तो राइट आंसर कौन जीव मुडिएस्ट पॉइंट बेलवर्क वन सेंटेंस समरी मिनिट पेपर तो राइट आंसर कौन हो यहाँ भी प्रिवियस ईयर आसी तो यहाँ कौन जीव ना को कहे अपन बेलवर्क कौन कहुए बेलवर्क नेक्स्ट देखा देखो आइडेंटिफाई द रीडिंग डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल विथ तो सिंपल रीडिंग डिसऑर्डर कौन कह डिसलेक्सिया कह कौन कह डिसलेक्सिया कह रीडिंग डिसऑर्डर तो नेक्स्ट देखा देखो तो राइट आंसर है कौन डिसलेक्सिया है ऑप्शन डी नेक्स्ट देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग नेक्स्ट देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ ICSSR अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग तो राइट आंसर कौन हम तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स ऑफ ICSR ता भितर केउटी नुह तो आपन पचारि सोशल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी ना आपन नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ना इकोनॉमिक्स तो राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर आपन रहबो फॉरेंसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट देला हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983 इंपोर्टेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस रो थ्योरी के देथिले आपनको सिंपल पचछि मल्टीपल इंटेलिजेंस एटा ही प्रीवियस ईयर आसी तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आसला माने तो आपन करबे कोन हावर्ड गार्डनर तो राइट आंसर जीवो गार्डनर नेक्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी तो केउटी गोटे ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी रो पार्ट नहि तो राइट आंसर कौन हम देखिए आपको द मोर आइडियाज द बेटर नेक्स्ट देला शेयर ओनली सच आइडियाज दैट आर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन नेक्स्ट देला सेट टाइम लिमिट एंड स्टॉप व्हाट दैट टाइम इज अप देन देला राइटिंग आइडियाज एज सेड नो पाराग्राफिंग तो राइट आंसर कौन हो तो राइट आंसर हो देखो शेयर ओनली सच आइडियाज दैट आर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन नेक्स्ट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी तो देखिए यहाँ तो यहाँ तो देखुवे आम प्रिवियस ये क्वेश्चन हाँ डिस्कसन कले जस्ट उपरे कौन सर्विस टू ह्यूमैनिटी किए देते महात्मा गांधी देते नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट देला रीड द सेंटेंस आपची स्टेटमेंट देखिए क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट बोली पचार कहला देखा ऑल केन्द्रीय विद्यालय आर अफिलेटेड टू द स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केन्द्रीय विद्यालय प्राइमरली सेंटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ वार्ड्स ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो से आमर केन्द्रीय विद्यालय क्योंकि गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स कही केन्द्रीय विद्यालय आफिलेट होता है स्टेट बोर्ड सहित स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सहित नेक्स्ट देखिए केन्द्रीय विद्यालय प्राइमरली कैटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द वार्ड्स ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो राइट आंसर कौन हम देखो तो एटा ठीक माने आई स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी ना टू आईटा करेक्ट अच्छी ना बोथ करेक्ट अच्छी कौन हम तो देखो तो राइट आंसर कौन हम ना आईटा आप देखो केन्द्रीय विद्यालय आप स्टेट बोर्ड को आफिलेट कर केन्द्रीय विद्यालय स्टेट बोर्ड को आफिलेट करनी तो एटा हेनी मैंने आईटा भी हेनी आउ एटा भी हेनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मान क्षेत्र में सी जो दे तो एटा भी हेनी तो आप टू आई आउ टू आई दुटा हेनी मैंने ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट व्हेन टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज पॉसिबली द बेस्ट कॉमन प्रॉब्लम एबे ही डिस्कशन कले कौन ना कांस्टेंट यूज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज आम फर्स्ट लैंग्वेज हैबिचुअल थी नेक्स्ट दला इन क्लासरूम मैनेजमेंट द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल प्रिजर्वेंस रेफर टू सिंपल दला तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे ना सॉरी आप क्लासरूम मैनेजमेंट रे जो आप रहा प्रिजर्वेंस तार मीनिंग कौन प्रिजर्वेंस तो आ मीनिंगटा होची कौन ना प्रिजर्वेंस मीनिंग होची कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट कीप ट्राइंग आमे कार्य करी चलिया आमे चेष्टा करी चलिबा
नेक्स्ट देला देखंतु व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप सिंथेसिस एंड मेटा कॉग्निटिव स्किल। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी तो क्यों स्ट्रेटजीटा सिंपल कौन करे ना चिल्ड्रेन मानकर सिंथेसिस आउ मेटा कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करियार साझे करे क्यों स्ट्रेटजीटा क्लासरूम गेम्स स्किल एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देला जर्नल राइटिंग क्लास टेस्ट तो क्योंटी तो राइट आंसर हो देखु जर्नल राइटिंग। नेक्स्ट देला साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज तो साइकोलॉजी कहले कौन ना स्टडी ऑफ कौन है स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट लुक्स बैकवर्ड रेदर देन फॉरवर्ड एंड असेसेस व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो द एंड द नेचर ऑफ डिफिकल्टीज दैट द लर्नर माइट हैव व्हिच इज अनडायग्नोस्ड माइट लिमिट देयर एंगेजमेंट इन न्यू लर्निंग। तो यहाँ कौन है तो यहाँ है कौन ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन कह जाए डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोली कह जाए। तो ऑप्शन नंबर कैसे हो तो ऑप्शन नंबर ए आम होगा करेक्ट। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखूँ आम चारिटा सिफ्टर आज 2019 चार्टा सिफ्टर डिस्कसन कले तो अलरेडी आम आगुरु गोटे भिडियो आम कम्प्लीट करते आउ चार्टा सिफ्टर कम्प्लीट करते तो आउ बाकी जहाँ रहा आउ आम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। जदि आपको भिडियो भल लगी भिडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे सांग सहित भिडियो को सेयार करेंगे आउ चैनल को जदि आप फर्स्ट टाइम पे विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। आउ फ्रेंड्स क्लास रो लिंक आउ टाइमिंग आउ आप कौन पाइबा ना पीडीएफ पाइबा आप जॉइन करें आम टेलीग्राम चैनल जार लिंक होची डिस्क्रिप्शन बॉक्स।